तो स्वागत है एक नई वीडियो में। आज अपने खेत पे आए थे, बड़े गांव वाले खेत पे, तो इधर गेहूं देखने आए थे अपन, और गेहूं में पानी भी चल रहा है कुछ। क्या बाद में बोया था अपन, दो किस्तों में बोया था, तो उसमें पानी चल रहा है। मेरा गला लग गया है क्या, मथुरा जी गया था मैं, तो उधर ज़्यादा पानी ख़राब है, उधर का पानी खारा है उधर का, तो उससे गला लग गया मेरा। ये अपनी डबरी भरी हुई है, ये अपना गेहूं है, इसमें पानी चल रहा है। और ये देखने भी आया था मैं कि मसूर में इल्ली तो नहीं लग गई क्या। 15 दिन हो गए अपन को दवाई डाले हुए, अपन ने माहू इल्ली की डाली थी, तो उसको देखने जा रहा हूँ मैं। ये गेहूं अपना, अपन ने जो दो किस्तों में बोया था, तो ये सबसे पहले वाला गेहूं बोया है अपन ने, ये वो है। ये अच्छी खासी हाइट ली हुई है इसने, और अच्छा खासा दिख भी रहा है अभी, और बाकी फिर हार्वेस्टिंग होने के बाद पता पड़ेगा क्या होता है। तो ये कंडीशन है अपनी मसूर की, बहुत बढ़ गई है, और इसमें क्या है, साथ में सरसों भी हो गया है, और ये अपन ने अलसी भी बोई हुई थी वो भी हो गई है। तो सरसों जो बोया थोड़ी, ये प्राकृतिक हो गया। ये इसको अपन दवाई भी लाए थे खिमलासा से सरसों मारने की, तो उससे सरसों मारा नहीं है, और हो गया ये पानी से ग्रोथ कर गया है सरसों ये बहुत ज़्यादा। अब इसमें मैं इल्ली देख रहा हूँ पहले, तो मिलती है कि नहीं मिलती। मैंने देख लिया मसूर में इल्ली नहीं है वैसे, तो देखते हैं अब दवाई डालते कि नहीं डालते। अभी 15 दिन लेगी वो मसूर, 15 दिन और ले जाएगी मसूर पटने के लिए। ये अपने गेहूं की कंडीशन है, ये क्या 306 की बाल मिल गई है इसमें, ऊंची ऊंची दिख रही होगी जितनी, ये सब 306 की बाल मिल गई है इसमें। लाइट आ गई है, ये पानी आ रहा है ट्यूबवेलों से डबरी में इकट्ठा होने के लिए, तो ये इकट्ठा हो रहा है, और ये स्प्रिंकलर चल रहे हैं। इतनी और रही है बस पानी देने के लिए, ये पेड़ दिख रहा है ना यहाँ तक, तो बाकी सब कंप्लीट हो गई है। और